उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग का यह तीसरा मीटिंग है गया जिला में। इसके पहले भागलपुर बेगूसराय हम लोग कर चुके हैं और बारी बारी से यहाँ के सारे लोग आ रहे हैं। अभी हम लोग बैठक करेंगे और बैठक में जो भी बातें होगी, केस का मुद्दा क्या है, कैसे जीतेंगे, क्या क्लू होने चाहिए, कैसे लोगों को जुड़ेंगे, कैसे फंडिंग आएगा, इन सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ। बारी बारी से आप वीडियो कॉन तक बने रहिएगा, सारे लोगों को दिखाते हैं आपको। केनम बहन से अनुरोध है कि जिस तरह हम गया जिला से यहाँ पर आए हैं और जागरूक हुए हैं, घर में तो बैठे बैठे कुछ भी पता नहीं चलता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे मोटिवेशन मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम लोग जीत सकते हैं, इसीलिए धन्यवाद। आप लोग भी इसी तरह से सपोर्ट करें। मकसद यही है इससे जो हम लोग क्वालिफाइड सब सिस्टर हैं, सब लोग यहाँ आके और अथी जीतेंगे। और उसके बाद घर में बैठे थे तो कुछ पता नहीं चल रहा था और यहाँ आने के बाद पता चला है कि हम लोग पक्का सुप्रीम कोर्ट से जीत हम लोग के मिल जाएगी। बिल्कुल सर, आप यहाँ आए बहुत अच्छी बात है। हमें तो आज ये लग रहा है कि ज्ञान की धरती बोध गया में खड़ी होके अज्ञानता को प्राथमिकता दिया जा रहा है बिहार में। ऐसा लग रहा है कि जो शिक्षित व्यक्ति है, जो क्वालिफाइड व्यक्ति है, वो घर में बैठे और जो नॉन क्वालिफाइड है उसको नौकरी दिया जाए। हम बहुत अच्छी बात है कि यह ज्ञान की मोक्ष और ज्ञान की धरती पे इस तरह का संघर्ष किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगा कि पूर्ण विश्वास है कि हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में सुनिश्चित तौर पर खंडन किया जाएगा, सुनिश्चित तौर पर खंडन किया जाएगा और हर हाल में हम लोग जीतेंगे, चाहे इसके लिए जो भी लड़ाई लड़ना हो। खास करके यह रिक्वेस्ट करते हैं जो गया के लोग हैं, जो खासकर गया के लोग हैं, सब लोग इस मीटिंग में जो लोग आए हैं उन लोगों से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें ताकि एक संघर्ष एक मजबूती के साथ हम लोग लड़ाई लड़ सकें। जिला से हैं, क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं। हम कहना चाहते हैं कि हाई कोर्ट में हम लोग को तो हार मिली ही थी, लेकिन हम लोग वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में जीत सुनिश्चित मिलेगी और हम लोग वहां से जीत करके आएंगे और अपनी जिम्मेवारी को पूरा करें, स्टैंड पीपीएससी के साथ जुड़े और अपनी भागीदारी को निभाएं। यहाँ पे जो मीटिंग रखा गया, इस मीटिंग में आए यहाँ तो बहुत अच्छा लगा और जो भी डॉट था वो डॉट को भी दूर किया गया और यहाँ डॉट दूर किया गया, उससे हम संतुष्ट भी हुए कि मतलब यहाँ पे कैसे क्या करना है ना करना। इसके पहले हम घर पे थे तो जानकारी नहीं था, लेकिन जब इस मीटिंग अटेंड किए तो इस मीटिंग में पूरी तरह से मतलब यहाँ बता करके संतुष्ट किया गया और हम संतुष्ट भी हुए और हम क्वालिफाइड स्टूडेंट भी हैं और जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं गया में, उन सभी से हम यही अनुरोध करेंगे कि वो एक साथ आने का कृपया करें और एक साथ जोड़ करके हम अपने हक के लड़ाई लड़े और सुप्रीम कोर्ट में अपने जो केस हुआ है उसको जीत करके हम दिखाएं। और ऐसे ये लड़ाई अकेले से नहीं हो सकता, हम एक साथ हो जाएंगे तभी हम इसको केस को जीत सकते हैं और जीत को हासिल कर सकते हैं। और स्टैंड बीपीएससी के साथ हम सभी साथ हैं और एक साथ जोड़ने का कोशिश भी करेंगे और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो कृपया करके जुड़े। ऐसे हूँ, क्वालिफाइड स्टूडेंट हूँ और सभी सिस्टर से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो भी क्वालिफाइड सिस्टर हैं वो पिंटू सर के चैलेंज के माध्यम से जितने भी सारी सिस्टर क्वालिफाइड है वो जुड़े। और पिंटू सर आज गया में मीटिंग रखे थे तो हम भी मतलब बहुत एक्टिव हुए और सारी सिस्टर एक्टिव हुई है और यहाँ सभी चीज अच्छे से हो रहा है, सारा चीज का हिसाब किताब बहुत अच्छे से दिया जा रहा है। और यही निवेदन करती हूँ कि सारी सिस्टर पिंटू सर के माध्यम से जुटे और हम लोग को केस में हासिल प्राप्त हो। क्वालिफाइड सिस्टर हूँ, घर में बैठी हुई थी, ग्रुप पे आया सर का, पिंटू सर का मीटिंग गया डिस्ट्रिक्ट में तो आए और यहाँ आने से पता चला कि हम लोग केस जीत सकते हैं, पर दो बार हम लोग हाई कोर्ट में केस हार चुके हैं, पर सुप्रीम कोर्ट में केस हम लोग जीत सकते हैं, इसलिए हम लोग को पिंटू सर को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे पैसा के बारे में जो भी है सारा हिसाब किताब दे दिया जा रहा है, इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि स्टैंड बीपीएससी के साथ आप लोग जुड़े, हम फंडिंग करें, फंडिंग के बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे, फंडिंग नहीं होगा तो हम लोग केस नहीं जीत पाएंगे। देखिए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गया जिला के पावन धरती पर
जहाँ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। उस धरती पर हमारे अजय भैया पिंटू सर जो हमें इस केस में मदद कर रहे हैं ANM वाले में, वो आए हुए थे और हम लोगों के साथ एक बैठक किए। उस बैठक में जितने भी मुद्दा है केस से रिलेटेड, कहाँ पे सरकार की गलती है, कहाँ पर हम लोगों से मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, सारे मुद्दा को उन्होंने बताए और हम लोग उससे पूरी तरीके से संतुष्ट हुए। संतुष्ट होने के बाद हमें लगा कि नहीं, इस लड़ाई को और आगे हमें लड़ना है, लेकिन इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें दो चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। पहला, पार्टिसिपेट जितना भी क्वालिफाइड है वो एक जुट होकर एक साथ आए, और दूसरा, केस लड़ने के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है। तो इनको यहाँ आने से हमारी सिस्टर जो बहुत से आई थी, या हम भी थोड़ा सा जो जानकारी नहीं था हमें, वो सारा जानकारी मिला और हमें लगा कि नहीं, हमारा जो गाइडलाइन करने वाले जो व्यक्ति है, हालांकि पिंटू सर कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक गाइडलाइन करने वाले व्यक्ति है, लड़ना तो मुझे ही है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अंदर से एक जुनून आया कि नहीं, अभी हम हार नहीं मानेंगे और केस को हम आगे लड़ेंगे और विजयी होकर हम आएंगे। और सभी क्वालिफाइड सिस्टर के, जितने भी 8791 क्वालिफाइड सिस्टर है, सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक साथ आइए, एक मंच पर आइए और हाथ से हाथ बढ़ाकर सहयोग कीजिए। कोई अगर आर्थिक स्थिति से कमजोर भी है तो कम से कम सपोर्ट तो कीजिए ताकि हम लोग केस जीत के आए और इस नौकरी को ले। जिला के मैं टिंकू सिंह, मैं मेरी वाइफ क्वालिफाइड स्टूडेंट है और मैं अपने वाइफ के साथ मीटिंग में आया हूं। और यहां मीटिंग के आने के बाद मैंने देखा कि स्टैंड BPSC का जो भी सारा चीज़ है, जो हिसाब किताब है, सारा चीज़ बढ़िया से क्लियर है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप भी स्टैंड BPSC से जुड़े और जो मैंने मुद्दे सुने वो सब मुझे सारे सही लगे और हम लोग सुप्रीम कोर्ट से अवश्य जीत रहे हैं। धन्यवाद, आप लोग स्टैंड BPSC से जुड़े। मेरा नाम सतीश कुमार मेहता है, मेरी पत्नी क्वालिफाइड है, अभी वो जॉब कर रही है अनुबंध पर, तो उनको छुट्टी नहीं रहने के कारण हमको आना पड़ा। हम चाहते हैं कि क्वालिफाइड वाले एक हो जाएं और एक होकर यहाँ स्ट्रगल को, मतलब लड़ाई को लड़े। यहाँ स्टैंड BPSC के द्वारा एक मीटिंग रखा गया था, 5 तारीख है यहाँ रखा गया था, तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि स्टैंड BPSC वाले आ रहे हैं और आए। इसके लिए हम स्वागत करते हैं इनको, पिंटू जी के, प्लस अजय जी हैं, प्लस मोनू महाराज हैं, ये सबको हम लोग गया के मोक्ष धरती पावन पुण्य जगह पर हम इनका स्वागत करते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाकर यहाँ आए हैं। अभी इनके कहने के अनुसार हम लोग हाई कोर्ट में केस को हार गए या क्वालिफाइड बहन हार गई, लेकिन इनका जो तर्क है पिंटू सर का या स्टैंड BPSC का, बहुत अच्छा तर्क है। इनको सुनने के बाद लगता है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अवश्य विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन इसके चलते, इसके लिए सबसे बड़ा एक चीज यहाँ है कि सभी जितने भी हैं, मतलब कि जो क्वालिफाइड महिला हैं, क्वालिफाइड जो बहन हैं, उनको एक जगह एक स्टैंड पर आना होगा और सभी को एक दूसरे से जोड़ के ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर समूह में आना होगा। और सबसे बड़ा समस्या यहाँ है कि इनके पास आर्थिक स्थिति खराब है और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हर व्यक्ति को अपना सहयोग करना पड़ेगा। और जब सहयोग होगा तब हम लोग जीतेंगे। और उस सहयोग के लिए हम सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सभी क्वालिफाइड बहन से, कि सभी लोग यहाँ आए और इस ग्रुप में जुड़े और अपना योगदान अपने सामर्थ्य के अनुसार भरपूर प्रदान करें। मैं नवादा जिला से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम विकास कुमार हुआ। तो आज गया जिला में मीटिंग था और मीटिंग को मैं अटेम्प्ट किया, और जब मीटिंग अटेम्प्ट करने के बाद जब मैं आया तो उसके बाद हमको पता चला ऐसा सा तत्व है पिंटू सर के पास, ऐसा सा क्लू है जो हम जीत सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से केस। और हम चाहते हैं जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनका गार्जियन आवे और मिले और मीटिंग में शामिल हो, इन्वॉल्व हों, ताकि उससे और बेहतर मजबूत हम लोग होंगे और आराम से सुप्रीम कोर्ट में केस जीत सकते हैं।
मेरा नाम दिनेश यादव हुआ, मैं डेल्हा का निवासी हूँ। और सबसे पहले तो गया के पावन धरती पर पिंटू सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे भी दो बेटी क्वालिफाइड है और मीटिंग अटेंड करने आए हैं। हाई कोर्ट से तो हम लोग को हार हुआ तो हम लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन पिंटू सर के पास कुछ ऐसा क्लू है जिसके बदौलत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जीत सकते हैं, ये 110% गारंटी है। लेकिन हम कहना चाहते हैं जो एनएम सिस्टर हैं, बेटी है, बहन है, उनको गार्जियन को आह्वान करना चाहता हूं कि आप आए, एक कदम बढ़ाएं। पिंटू सर दो कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं और इतना मजबूती भी बढ़ाने के लिए तैयार हैं कि पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम लोग आगे भी देख चुके हैं अगला को, तो अगला के भरोसे हम लोग को नहीं रहना है, हम लोग को पिंटू सर के भरोसे रहना है। और इन लोग को इतना हम लोग मजबूत बना दें कि हाई सुप्रीम कोर्ट में डिग्री ला के हम लोग को बेटी बहन को सौंप दें, तब तो इनको हीरो बनावेंगे हम लोग। यही हम गार्जियन लोग को एकदम हार्दिक जहे दिल से स्वागत करते हैं कि आप लोग एक कदम बढ़ाइए, उसमें ज्वाइन कीजिए और इनको मजबूती प्रदान कीजिए। ईश्वर वाणी को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। गया जिला में हम लोग का मीटिंग था और मीटिंग रखा भी गया और काफ़ी सक्सेसफुल मीटिंग हुआ। जो लोग नहीं जुड़े हुए थे गया में वो काफ़ी लोग आए, जितने भी हमारी सिस्टर थी, गार्जियन थे। गार्जियन का तो इसमें रोल अब बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए कि अब गार्जियन को आगे आना होगा, क्योंकि अब हम लोग को जीत तभी मिलेगी जब गार्जियन आगे आएंगे। और आज मीटिंग सक्सेसफुल रहा गया में, हम लोग पूरी एकता के साथ गार्जियन और क्वालिफाइड सिस्टर दोनों अब एक हो रहे हैं और पूरा एकता के साथ अब हम लोग लड़ रहे हैं। अब बिल्कुल आगे की ओर लड़ाई हम लोग को जितना भी मान के चले कि आगे लड़ाई बढ़ गया है और अब जल्द ही हम लोग पहुंचने वाले हैं। और हेयरिंग तो तभी होगा ना जब हम लोग का फंडिंग हो जाए, तभी हेयरिंग होगा और हेयरिंग होने के बाद हम लोग आगे का उसका प्रक्रिया अपना जीत का जो भी है वो हो जाएगा। आप लोग एक साथ अभी जितने भी बहन नए नए आई हैं जो घर में बैठी हुई थी, जिनको कुछ आइडिया नहीं लग रहा था किसके साथ जाना है कहाँ जाना है, अब देखिए वो सब जुड़ रहे हैं। अब हम लोग जमीनी स्तर पर सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग गार्जियन के तौर पे आए हैं, क्वालिफाइड सिस्टर हैं, कोई आंटी हैं, बहन है, जो भी हैं सब आए हैं। अब आप लोग भी जो छूट गए हैं जहाँ जिस जिला से हैं, आप लोग संपर्क कीजिए एसटीएनबीपीएससी में और जल्दी से जल्दी आगे आइए। और जितने भी गार्जियन हैं वो आगे आइए और सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग का लड़ाई बहुत जल्द जीत जाए और हम लोग जितने भी क्वालिफाइड सिस्टर हैं चाहे आपके घर में जो भी हैं उनका ज्वाइनिंग हो, आप लोग साथ में। नमस्कार सबको। आज हम लोग का मीटिंग गया डिस्ट्रिक्ट में रखा गया था और मीटिंग तो यहाँ का समाप्त हो गया और बहुत पॉजिटिव व्यू आ रहा है और सब लोग साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मन में जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जितना रहता फैलाया गया है, अफवाह फैलाया गया है ना, वो सब क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और हम लोग उसको उस बातों को क्लियर कर रहे हैं और सबको साथ ला रहे हैं। और जैसे कि आज गया में हो गया, पहले भी दो जगह हो चुका था और हम लोग आगे का भी मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग होगा वहाँ का हम लोग डेट क्लियर कर देंगे और उस डिस्ट्रिक्ट वाला जो ग्रुप है, हम लोग पास डिस्ट्रिक्ट ग्रुप है, उसमें हम लोग अनाउंसमेंट कर देंगे कि किस डेट में कितने बजे कहाँ मीटिंग होगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं, इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में जो होगा मीटिंग उसमें आप लोग जुड़िए, क्योंकि आदमी अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकता, आप लोग भागिए नहीं, सबको साथ आना होगा, खुल करके सपोर्ट करना होगा, तभी हमारी घर की जो बेटी बहन है उनकी लाइफ संवर पाएगी, समझ रहे हैं ना। तो यही बात है, बहुत सारे लोग अफवाह फैलाए हुए हैं, अफवाह पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। घर में बैठ के टिप्पा टिप्पी करना, व्हाट्सएप चैटिंग करना और कमेंटबाजी करना बहुत ईजी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उतर के और जो सच्चाई है उसके साथ मेहनत करना और जीत दिलाना बहुत मुश्किल है। तो जो मुश्किल है उस काम को हम लोग कर रहे हैं और बस हम इतना ही कहेंगे कि आप सब कोई, जितने भी लोग हम लोगों से दूर हैं, अलग हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, तो उन लोग प्लीज़ आप लोग एसटीएन बीपीएससी टीम से जुड़िए। हम लोग गारंटी देते हैं 110% कि हम लोग जीतेंगे। सब कोई साथ आइए, हम लोग पक्का जीतेंगे और जीतेंगे।